आज हमने चिल्ली क्राइम प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से यह मांग उठाई है कि जो चोर मनोहर प्रसाद कोई पार्टी और इंसान इलेक्शन खड़ा होने के लिए देता है तो उसमें शर्तें रखता है कि अगर मैं सरकार में आ जाऊं या पार्टी सरकार में आ जाए तो वो ये वादे पूरे करेंगे, जैसे कि कर्ज माफ़ी का या लैपटॉप का या कोई भी नौकरियों देने का, जानसा जैसा होता है युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जब भी वो सरकार में आ जाता है वो अपनी शर्तों को भूल जाता है, अपने सरकार की तरफ ध्यान रखने लगता। आम आदमी की जिस बात पर लोगों ने सोचकर वोट दी होती है वो खरी नहीं उतरती। वो कह रहे हैं हम आपकी मांग ये इलेक्शन कमीशन में रखेंगे और डायरेक्टर में बोर्ड में रखेंगे और लॉ के पास भेजेंगे, जो लॉ ऑफिसर होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे और उनके मैनिफेस्टो को बताएंगे भी, आपका मैनिफेस्टो लीगल होना चाहिए और जो भी उन्होंने पिछली सरकार बने जहाँ पिछले इलेक्शन वाले वादे किए थे वो उनको याद कराए जाएंगे भी, आपके पिछले वादे नहीं पूरे हुए तो आप नया वादा कैसे कर सकते हो। मैं हरमीत सिंह कादियाँ, प्रेजिडेंट BKU।